press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जब से ये कोर्ट ने फैसला किया है कि मुस्लिम्स का जो ओबीसी कोटा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तब से ममता बनर्जी और उनके मंत्री काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। छल, जो चालाकी और जो चिटिंगबाजी इस देश में मुसलमान आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर के करता चला आया है, ये तब तक छुपा हुआ था जब तक 53 साल कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि अब संविधान और कानून को इतना ज्यादा बारीकी से लोग पढ़ करके सारे केसेस को देख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाला आदमी वो 24/6 नहीं होता है, वो 24/7 होता है। जो लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं, आप सोइए कम, खाइए कम, आराम कम कीजिए, लेकिन आपको काम पूरा करना है। क्योंकि जो सवाल आपने उठाया है उसका जवाब आपको चार तरीके से कंप्लीट करना है देने के लिए, तो हमने भी चार तरीके से कंप्लीट करना सीख लिया। अब आती है बात कि कल जब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया तो सारे आंकड़े मैंने निकाल लिए। 2011 तक जब तक ममता बनर्जी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक 105 जातियां जो हैं वो ओबीसी रिजर्वेशन में फिक्स थी। जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार आई 179 जातियां हुई, जिसमें 71 जातियों को एडिशन किया गया, जिसमें 65 मुसलमान ओबीसी की जातियां जुड़ी हैं। अब 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां, मतलब 66% मुसलमान ले रहे हैं। 61 हिंदू ओबीसी जातियां इसमें जुड़ी, जिसमें 34% हिंदू ले रहे हैं, और 66% मुसलमान ले रहे हैं और 34% हिंदू ले रहे हैं। बंगाल के डेटा के हिसाब से 28% बंगाल के डेटा के हिसाब से 28% हम मुसलमान यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सिटीजन हैं और मोर देन 66% हिंदूज हैं। तो ये जो इंडियन अलायंस का एक नारा आया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी होगी, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ निकल गया, ये तो बहुत बड़ा फेक निकल गया। फिर से राहुल बाबा झूठा साबित हो गया, फिर से गांधी परिवार लुच्चा साबित हो गया, फिर से इनका षड्यंत्र और मुस्लिम लीग का की मानसिकता और पाकिस्तानी मोहब्बत फिर से सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैं पूछना चाहती हूँ इंडिया अलायंस के सारे बड़े नेता से कि जरा पाकिस्तान में जाकर पूछो तो कि ओबीसी आप में से कौन कौन है। राहुल बाबा समूचा वापस नहीं आएगा, बोटियों के साथ वापस आएगा। जरा अखिलेश यादव पूछे तो पाकिस्तान की सरकार से कि आपके यहाँ ओबीसी कितने मुसलमान है, एससी एसटी कितने मुसलमान है। अरे फोन पर ही नवाज शरीफ और मरियम शरीफ कितनी गालियां देगी अखिलेश यादव को और ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी का तेवर पाकिस्तान के नवाज शरीफ के सामने नहीं चलेगा। जरा अरब में फोन लगाकर पूछा तो जाए, जरा किर्गिस्तान में फोन लगा के पूछा तो जाए, जरा तुर्किस्तान में फोन लगा के पूछा तो जाए, जरा ईरान में फोन लगा के पूछा तो जाए कि आपके देश में कितने ओबीसी हैं मुसलमान। थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ माँ बहन की गालियां पड़ेंगी, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से कोई भी कलमा शरीफ ओबीसी हो ही नहीं सकता है। और इंडी अलायंस का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों को ममता बनर्जी साहिबा ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे करके उनके वोट को अपने पॉकेट में कंफर्म किया था और ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ उठवा करके उनको अपने चाटुकारता वर्कर के तौर पर इस्तेमाल किया था, इसका भांडा फूट चुका है। पर नाज़िया जी, जब इस्लाम में दलित कैटेगरी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो ये तो इस्लाम के विरोध में हुआ ना जो कुछ ममता बनर्जी कर रही हैं। और वो लोग फिर सही मायने में मुसलमान हुए जो 5 करोड़ जिनकी संख्या बताई जाए, जिन्होंने फायदा उठाया 5 लाख, या जिन्होंने भी सर्टिफिकेट बनाए फर्जी, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? उसको उनको इस्लाम में माना जाएगा? वो क्या कुरान के हिसाब से चल रहे या फिर वो फायदा पाने के लिए कुछ भी बन गए?
कि मुसलमान, मैंने हमेशा बोला है, बाप बड़ा ना भैया मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। आज भी पाकिस्तान में बहु बेटियां भेजी भी जाती हैं, बहु बेटियां बेची भी जाती हैं। आज भी पाकिस्तान इस्लामिक मुस्लिम देश में, जो इस्लाम के ऊपर चलता है, जो नाउजुबिल्ला सुन्नत रसूल के ऊपर चलता है, जो अल कुरान के ऊपर चलता है, वहां कोठा मुजरा और सेक्स स्कैंडल भी चलता है। तो क्या इस्लाम ने इस चीज की अनुमति दी है? आज मुसलमान मर्द गंदी गंदी गालियां, खराब खराब गालियां लोगों को देते हैं जो शिक्षित महिलाएं होती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जुबैर जैसे, जो महिलाओं के कंधे पे ही अपना प्रचार करते हैं। तो क्या इस्लाम ये इस बात की भी अनुमति देता है? क्या पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को अल कुरान और सुन्नत रसूल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोईयां की थी, जो सुन्नत रसूल दिया था, जो सुन्नत दिया था हम लोगों को फॉलो करने के लिए, क्या उसमें इस बात की अनुमति है कि श्रीमती ममता बनर्जी मर्दों के भीड़ में ईद की नमाज में जाकर के पॉलिटिकल भाषण दे सकती हैं? नहीं, नहीं दिया था। क्या हमारा अल कुरान और हमारा सुन्नत रसूल रोड पर गंदे मैले नापाक रोड पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ने की अनुमति देता है? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, इबादत छुप कर किया करते थे। तो ये तो रोड पे पढ़ते हैं आपको चढ़ाने के लिए। भैया आप लोग कब समझिएगा? मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं कितना समझाऊं हिंदुओं को, आप लोग को कब समझ में आएगा? नहीं नहीं, आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि समझ में आ गई, कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होंगी तब तक लोग। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ममता बनर्जी के लिए ये कितना घातक है कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला, क्योंकि चुनाव के बीच में आया है। देखिए मुसलमान होते हैं अपंग, मुसलमान होते हैं बड़े अग्रेसिव, मुसलमान होते हैं बड़े जिद्दी और बड़े गुस्सेवर। अब उनकी एक ही बात रहेगी, सुनो ममता बनर्जी, हमारा ओबीसी रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट तुम दी थी और हम लोगों को जो इस्तेमाल की थी वो वापस करो, नहीं तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे, मेरे पास अभी भी 2-4 वीडियोस है जिसमें कोविड के समय में ममता राशन नहीं पहुंचवा रही थी तो माँ बहन की गालियां मटिया ब्रूज और पोर्ट के मुसलमानों ने और खिदरपुर के मुसलमानों ने ममता बनर्जी को दे डाला था एकदम। माँ बहन की गंदी गंदी गालियां ममता बनर्जी को दिया था, मेरे पास अभी भी वो वीडियोस है कि तुम राशन मुसलमानों से डरती है। मुसलमान किसी को भी डरा कर रख सकते हैं, किसी को भी डरा कर रख सकते हैं। ये जो आवेशी बोलता है ना पाकिस्तानी, तो उनकी बड़ी ख्वाह है, उनका बड़ा ख्याल रखती हैं। अब देखो कैसे ओबीसी में उनको एंटर करवा दिया, बैकडोर से ही सही लेकिन करवा दिया 2011 के बाद। तो फिर तो ममता को उन लोगों को ममता को पूजना चाहिए, लेकिन अगर वो ममता को डरा कर चलते तो ममता को के लिए भी एक हाई टाइम है समझने के लिए कि सही मायने में वो किनको पाल पोस रही है। देखिए ममता बनर्जी साहिबा ने ये बात बहुत पहले ही बोल दिया था कि जो गाय दूध देती है उसकी लताड़ी खानी पड़ती है, ये बात उन्होंने मुसलमानों के लिए ही कही थी, ये बात उन्होंने मुसलमानों के लिए ही कही थी। और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और ममता बनर्जी जी के सरकार में कई ऐसे नेता मंत्री हैं जिन्होंने सनातन धर्म को मलाइन किया है। अभी हालिया में उन्होंने रामकृष्ण मिशन को मलाइन किया, डिफेम किया है। अभी हालिया में इन्होंने हिंदू महासभा को डिफेम किया है। अभी हालिया में उन्होंने सनातन धर्म और राम भक्तों को उन्होंने डिफेम किया, राम भक्तों को और राम नवमी को उन्होंने दंगाबाज कहा। क्या ये लोग भूल जाएंगे कि आज जो जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र से जो शाइनी घोष खड़ी हुई है, उन्होंने एक वक्त में शिव भगवान के सर पर कॉन्डम पहनाया था और ट्वीट किया था? और ट्विटर एक्स के जो ओनर है उन्होंने उसको बैन भी नहीं करने के लिए कहा था। यहां तक के साइबर क्राइम जो कोलकाता पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको नोटिस भी नहीं भेजी थी कि ये आपने बहुत गलत किया है। अरे मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में, अरे 4 तो हिंदू होगा, सारे के सारे मुसलमान हो चुके हैं कलकत्ता पुलिस डिपार्टमेंट में, कलकत्ता पुलिस लाल बाजार हेडक्वार्टर में। अगर सारे के सारों ने धर्म परिवर्तन करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, 4 तो हिंदू होगा, 5 तो हिंदू होगा। उनके शिव भगवान पर, उनके शिव लिंग पर जब कॉन्डम पहनाया शाइनी घोष ने, तब तो साइबर क्राइम से कोई नोटिस नहीं आया। तब तो देश में जितने भी हिंदू हैं उन्होंने उनको ट्रोल नहीं किया। चंद कुछ लोग जो राष्ट्र से प्यार करते हैं, जो मातृभूमि से प्यार करते हैं,
सिर्फ उन्हीं लोगों ने रिएक्शंस दिया। शाइनी घोष के ऊपर 5 लाख से ऊपर FIR तो नहीं हुआ, मुझे लगता है 5 FIR भी नहीं हुआ होगा। उसके बाद फिर महुआ मोइत्रो जो पार्लियामेंट को सट्टा का बाजार बना करके रखी हुई थी अपनी लैविश लाइफ के लिए, उन्होंने एक बड़े नेशनल न्यूज पर बैठ करके कहा था कि गॉडेस काली के हाथ में शराब भी दे दिया, मुंह में मीट भी दे दिया और हाथ में सिगरेट भी दे दिया। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी हमेशा से श्रीमती ममता बनर्जी से लेकर के उनके जितने भी नेता मंत्री हैं, उनके जितने भी चाटुकारिता वर्कर हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने सनातन धर्म के देवी देवताओं को खुले आम ब्लंट वेज में डिफेम और मलाइन किया है, बेइज्जत किया है और हर एक लिमिटेशंस को क्रॉस करके बेइज्जत किया है। और कभी भी ममता बनर्जी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आज अगर मैं कुछ ट्वीट कर दूं एक्स पर, मुझे तुरंत आ जाएगा साइबर क्राइम से तुरंत आ जाएगा नोटिस कि आपने ये क्यों बोला, आपने ये क्यों बोला। मैं सिर्फ इतना भी बोल दूं कि मुसलमान अगर गालियां देते हैं और अभद्र माँ बहन की गंदी गालियां देते हैं तो शायद वो सुन्नत रसूल होगा, तो उस पर भी मुझे नोटिस आ जाएगा। लेकिन शाइनी घोष शिवलिंग पर कॉन्डम पहनाएगी और वो ट्वीट करेगी लेकिन उस पर साइबर क्राइम कोलकाता पुलिस से कोई नोटिस नहीं आता है, तो पार्शियलिटी यहां से शुरू हो। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया अली खान जी ने ना सिर्फ ये जो स्कैम चल रहा है टीएमसी द्वारा बल्कि ममता बनर्जी की जो भी सोच है, जो उनकी मंत्रियों की सोच है, खासकर सनातन धर्म को डिफेम करने की, उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद।